अभी साहब इतना वक्त में मौका मिला और जान भी आपने हजरा ने आयत पेश कर दिया। मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो फर्स्ट शेर मसरत पर आकर बैठ जाए, क्योंकि आपकी मोहब्बतों के साय से जो भी यहाँ आता है तो कुछ ना कुछ तासुरात वहाँ पर आता है कि वहाँ ऐसा मजमा होगा, वहाँ ऐसी हाल होगी। आप दाद बहुत बेकारी के साथ दे रहे हैं, आपकी समाधि भी जा रही है, लेकिन जो हजरात बाहर हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक एक जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि सारे लोगों को लेकर यहाँ पर आए और अपने आखिरी हमारी स्टेज से आखिरी शायर को सुने, जिनकी आवाज को सुनने के लिए सावन भी खुश होता है और झूम के बरसता है, और वो ऐसी आवाज है कि सावन उससे पहले बरस होता है। अब आपको उनकी आवाज को सुनना है और माहौल और आपकी समाधि किस तरफ जाएंगे इसका अंदाजा तो उनका कलाम और उनकी आवाज ही कराएगा। आइए अभी हम सब करबला की बात करते हैं और यकीन हमारी जान जुर्मान हो जाए। इमाम हुसैन से और जुमे के रोजा है मुकद्दस है, हर रोजा जगमगा रहा है, चाहे रजब चले जाइए, सावन का चले जाइए, कासाइन चले जाइए, लेकिन इन तमाम रोजों के पीछे एक ऐसा रोजा है जो आज हमारे अंधेरों को नजर। जब रोजों की तरफ जाने के बाद परवरदिगार हम सबको करबला और मेरा ईरान ईरान की जियारत कराए, जब वहां जाता है इंसान उसके बाद ये महसूस वहीं पे खड़े होकर करता है कि बीबी फातिमा जहरा रोजा के साथ मिले, कि हमारी पहली रहवाई है, कि हमारे इंसान साथ है, कि बीबी फातिमा जहरा का रोजा चल से रमदानी हो और शायद मैं इन किस्सों से अपने उन तासुरात का इजहार कर रहा हूँ कि मुसलमानों को भी करबला आवाज देती है मुकम्मल मुस्तफा के आपकी ताबीर हो जाए, हजारों बाबरी मस्जिद बनेगी सारी दुनिया में मजार फातिमा जहरा अगर ताबीर हो जाए, मजार फातिमा जहरा अगर ताबीर हो जाए, मजार फातिमा जहरा अगर ताबीर हो जाए। शराब जला दूरी के दूसरों के साय में मैं इस्तेफा कर रहा हूँ, मुल्क की मशहूर मारूफ शख्सियत बेहतरीन शायर बेहतरीन फिल्म के मालिक और बेहतरीन इंसान मोहतरम सुहेल हसन की आवाज़ के ऊपर उन्हें समाज फरमाए, जो हजरात बाहर है उनसे गुजारिश है सलवार को आपको मेरा नशीन आए, जो हजरात अंदर है उनसे गुजारिश है सलवार को आपको मेरा सलवार को नारायण सलवार को सबसे पहले तो आप सबको आज की जश्न जश्न तो मुसरत और एक हुकूमत की कामयाब जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या खूब समाते हैं ये आम तौर पर नमाते हैं, ये जब शुरू होती है तब का माहौल होता है, अलहमदिल्ला महफिल बाबा कामयाब हो चुकी है और मुझसे बाद जिन शुरा ग्राम ने एक से एक शेर सुनाया है हमारा सभी नौकरी को भी फरमाया है और सबको सलाम अलैकुम। शाम भाई को मौलाना मोहम्मद शिफा अता है जितने भी का शुरा ग्राम नुमाए हुए हैं उनको सुख शांति बख्शे। आज भी समझता जश्न के सदमे में जो भी नए गरीब हाजरात हमारे सबको ही करेंगे, अलहमदिल्ला महफिल बाबा कामयाब हो चुकी है, मैं सिर्फ सवाल में शामिल होने के लिए कोशिश कर सकता हूँ पढ़ने की।
जी हो गई बाकी से मुंतजर हो जाएगा और जो भिखारी है शहंशाह वफा के घर का जो भिखारी है शहंशाह वफा के घर का बादशाहों में भी सरदार नजर आएगा और रोशनी देता है सूरज को भी भास्कर की कसम अपने घर में के चिरागों को बुझाने वाला शेर कर रहा हूं मैं ये बच्चा नौ
अंजाम का बहुत भाई ऐसा फरमाइश नहीं करते भाई हम देते हैं लेकिन फिर जिंदगी में मामला हो गया भाई हम लोग प्रचारों का श्रेय है क्योंकि मौला अब्बास मौला हुसैन की मत बोले हैं एक मरला मैं हाजिर कर रहा हूँ उसमें मैं परेशानी एक शेर है मारूफ हफीज साहब का बहुत मशहूर शेर है कि जन्म के दूर तेरा कोई सिपाही यजीद कि मेरा ये अच्छा हुआ था पार ना कर सकता ये शेर जहन रखने इसी शेर में सोच रहा है उससे हम तो ये अच्छा साथी साथी से शेर है गुरु पढ़े तो मैं हाजिर कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कोई कमी नहीं है कि मेरा मेरा क्या बिल्कुल समाधि बोलता है चारों बाद फिर अपना मैं हासिल कर रहा हूँ बेटों का जश्न है अली में ज़बान बेटों का जश्न है अली में ज़बान माहौल कह रहा है खुदा मेहमान है बेटों का जश्न है ये अली मेज़बान है ये मैं तो सुन ली कहाँ बैठे हैं यहाँ फरशी विला Yeah.
کو دیکھ رہا ہاں صدیاں صدیاں شریف ہو گئی پرچم کو دیکھ کر حملہ کر دیا بابا
सरदार कर दिया
ساتھ چلے دعائیں چاہیے. لائے ہم شکل محمد کو سرے میرے کل بپ میں کر
شیر سے یہ کیا سب کا شیر ہے چین پڑھنے جاؤں جا 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 غمِ شہر میں کہاں ہوں جا جا غمِ شہر میں کہاں ہوں آپ دولت تو میرے ہم منائیں جشن محشر جو میں نے کہا دیا ہم منائیں جشن محشر میں قدر محمد Say